नमस्कार जनता दरबार 2021 को स्वागत करुची मु निहारिका। एबे पूरा देशर नजर पश्चिमबंग उपरे। चारोटी पर्यायर मतदान सरी आहुरी बाकी रही चारोटी पर्याय आगामी तथा पंचम पर्याय मतदान हेब एप्रिल 17 रे। तेबे एहारी भितरे घड़िके घोड़ा छुटुची बेंगल राजनीति रे। एकता एबे निश्चिंत होइगलानी जे एथर क्षमता खसिबाकु जाउची टीएमसी हातरु। एकता निजे दीदी ममता आउ तांको दलर नेता माने मध्ये जानी सरलेनी। सेति पई गोटे प्रकार हाई वोल्टेज ड्रामार मंच पलटिची एबे बेंगल। ईसी रो छाट एबे सेठी सबु दलर नेतांको उपरे चालिथिबा बेले सेई छाट को किंतु निज राजनैतिक फायदा पई व्यवहार करबाकु चाहुचंती ममता बनर्जी। 24 घंटिया निर्वाचनी पाबंदी को भोट बैंक रे परिणत करबाकु जाई ममता करिछंती अनशन। केवल देखा बाकी रहिला से निज उद्यम सफल हो पारुछंती कि नाही आसंतु देखिबा एने एक रिपोर्ट। ममता को ईसी रा छाटो लागिला बैन करी पारिबेनी निर्वाचन प्रचार तथापि जिद रे अटल धारणा रे बसिले नाराज ममता। 24 घंटा पई ममता बनर्जी करि परिबेनी निर्वाचन प्रचार। निर्वाचन आयोग देले नोटिस प्रचार करिबारु बैन कले टीएमसी मुख्य ममतांकु। तथापि निज जिद रे अटल ममता ईसी रो नोटिस कु अजौक्तिक ओ अगणतांत्रिक बोली दर्शाई रास्ता उपरे धारणा देले। सूचना अनुसार एप्रिल 12 तारीख रे निर्वाचन आयोग ममता बनर्जी को उपरे तांकर अनैतिक मंतव्य पई तांको निर्वाचन प्रचार करिबारे 24 घंटा पई अंकुश लगाइछंती। तेबे ममता सबु बेला पर निज जिद्दी रे रहिछंती अटल। निर्वाचनी आचार संहिता उल्लंघन करितिबार प्रमाणित हेबा परे भी ममता ओलटा निर्वाचनी आयोग को अगणतांत्रिक अपक्षपातिता करितिबार अभियोग करि सेंट्रल कोलकाता रे धारणा देइछंती। ममता दीदी के जो धरना टैक्टिक्स है, ये धरना टैक्टिक्स डिफीट के बाद की प्रैक्टिस है। और डिफीट के बाद की किस तरह की प्रैक्टिस होनी चाहिए उनकी, उसकी कोशिश है। इसलिए इस धरने टैक्टिक्स को डिफीट के प्रैक्टिस के रूप में हम देख रहे हैं, क्योंकि इस चुनाव में, अगर पूरे चुनाव में आप देखें तो चिक चिक किच किच, इसके अलावा उन्होंने आज तक अपने शासनकाल के, अपने सरकार के समय को लोगों को देने में वो झिझकती रही और नहीं दिया। सारे लोगों पर आरोप लगाते रहे, प्रधानमंत्री जी पे आरोप लगाया, गृह मंत्री जी पे आरोप लगाया, चुनाव आयोग पे आरोप लगाया, सुरक्षा बलों पे आरोप लगाया, बंगाल की जनता पर आरोप लगाया, जो लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको बाहरी तक कह डाला, जो बेचारे दलित हैं उनको भिखारी तक कह डाला उनकी पार्टी के लोगों ने। लेकिन जो है वो अपने हिसाब किताब और अपनी सरकार का हिसाब किताब नहीं दे पाए, तो इसलिए किसकी जो चिक चिक का टाइम खत्म हो गया। आप करना कुछ नहीं है, धरना तो अभी करना ही पड़ेगा, उनको धरना रहेगा सब कुछ। निकटरे ममता प्रथमे मुसलमान संप्रदाय को वोट विभाजन न करिवार मंतव्य देइतिले, जहां को नै बीजेपी ममता को देश विरोधी और सांप्रदायिक भेदभाव सृष्टि करूतिवार मंतव्य पई निर्वाचन आयोग रो द्वारस्थ होइतिले। इसी तरफरु ममता को एहा नै नोटिस मध्य जारी करा जाइतिला। तथापि ममता तांकर अभ्यासगत नीति जारी रखी पुणी थरे केंद्रीय सुरक्षा दल सीआरपीएफ को टार्गेट करथिले। एपरिकि सीआरपीएफ को घेराव करबाकु महिला और युवक मानकु उस्काइबा परि मंतव्य मध्य देथिले, जहार फलस्वरूप कुचबिहार ठारे सीआरपीएफ और भोटर मानक मध्यरे एपरि हिंसा सृष्टि होइतिबार अभियोग आनिथिला बीजेपी। तेबे पश्चिम बंग निर्वाचन अभियान को ममता ओ तांको दल विश्रुंखलित करि दैछंती बोली राजनैतिक माहौल रे चर्चा हेबा परे वर्तमान ईसी तरफरु ममता को प्रचार करिवार अंकुश लगा जायछि। एप्रिल 14 तारिख रे कोलकाता रा सॉल्ट लेक अंचल रे टीएमसी रा सुचित बोस को पई ममता प्रचार करिवा पई आयोजन चालथिबा बेले ईसी को तरफरु ममता को उपरे एही छाट टीएमसी को बहुत महंगा पड़िबो बोली चर्चा हेउछि। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्गस न्यूज।
तेबे बेंगल रे जो प्रकार हाई वोल्टेज ड्रामा चली ताकू नहीं आम पाखे सविशेष बरणी देवाई आम प्रतिनिधि अच्छा प्रदीप्त जीक वर्तमान पश्चिम बंगे अच्छा सहित जोड़ी हवा प्रदीप्त जपरिकी वर्तमान आमर जो चलुला जोटा जे ममता बानर्जी अनशन बस से विषय नहीं कि आपड़ आज से कि स्पट्रे जो ममता बानर्जी बसी महात्मा गांधी स्टाच्यू तले जो प्रकार जमती आम समस्ते जाचे निर्वाचन कमिशन आयोग तरफ चौबीस घंटिया पाबंदी लगाई से निर्वाचन प्रचार करें तो यह विषय आपड़ी स्पट उपर थे कौन देखिले कौन प्रकृत पारिपार्श्विक सिचुएशन से विषय डिटेल कहतु निश्चित भाव निहारिका आप जो कथा कहले आज जिते ममता बानर्जी दिन बारटा समय रे जो प्लेस प्रेस क्लब रही कोलकाता ठारे एवं सेठारे जो गांधी मूर्ति रही सही निकट रे आज से धारणा रे बसी थिले एवं विशेष भाव रे निर्वाचन आयोग पक्षर जो बैन लगा जाए चौबीस घंटा पर्यंत कौन सी निर्वाचन प्रचार कर पारे नहीं अर्थात गत काली राति चौबीस घंटा सोमवार राति चौबीस घंटा रु आज राति अर्थात मंगलवार राति आठटा पर्यंत से कौन सी निर्वाचन प्रचार कर पारे नहीं विशेषकर जो प्रसंग को लेकिन निर्वाचन कमिशन बैन लगाई से जो हिंदू मुस्लिम अर्थात सांप्रदायिक धार्मिक भावना को कुठाराघात कला भली मंतव्य देखते धार्मिक भावना को जो उस्काइबा लोक मान को उस्काइबा मंतव्य देखते निर्वाचन कमिशन चौबीस घंटिया बैन कर बैन लगाई किंतु तथापि भी ममता बानर्जी खातिर करना मुख्यमंत्री पश्चिम बंगर जी अच्छा से खातिर करना से आज पुणी धारणा आसिक बस अर्थात से धारणा सभा गोटे प्रकार प्रचार मैदान पलटि मुझे से स्थान में उपस्थित थी मुझे देखी थी ममता बानर्जी से जो एका बसी थे ह्विल चेयर चतुर्पार्श्वे समर्थक अर्थात टीएमसी कर्मी मान घेरिकी रही थे किसी मात्रा नाराबाजी होता संपूर्ण अंचल को पुलिस सुरक्षा बल परिणत करोटे स्थिति देखा मिलता धारणा देवाई ममता बानर्जी परमिशन नहीं नथिले बोली अनेक चर्चा होता एवं इलेक्शन कमिशन रिछ अधिकारी पहुंची थे किसी समय जो गोटे प्रकार स्थिति परिस्थिति सृष्टि प्रकृत में ममता बानर्जी जो धारणा देवाई परमिशन नहीं विशेष भाव में पूर्व देखी घटना नुआ नुह ममता बानर्जी कौन सी जो मंतव्य देखिए बद को आसी ममता बानर्जी जो सांप्रदायिक भेदभाव को लेकिन कही ता सहित सीआरपीएफ जवान मानक भी से मंतव्य देते जे घेराव करा बोली महिला मान को युवक मान को उस्कते जो प्रकार कुचबिहार जो प्रकार भायोलेंस है तो आपण से स्पॉट्रे थिले आपण किछि प्रतिक्रिया नहींचंती कि जे से जो मंतव्य देते ईसी जो कार्यकारी करचंती संपूर्ण भाव में ठीक अच्छी बा सेमानकर कौन मत अच्छी से नहीं कि ममता बानर्जी जेतेबेले जानिचंती एटा ईसी पई एटा अलाउड नुहे ए टाइप रो मंतव्य तथापि से वर्तमान अनशन में बसचंती एने आपण आपण कौन प्रतिक्रिया पाइचंती से विषय कहंतु तबे निर्वाचन कमिशन मुख्य निर्वाचन कमिशन जी रही भारत किसी निर्दिष्ट आईन कानून निर्वाचन समय रे लागू करा जाय थाए जमती ताको आमे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कही परिबा नहले निर्वाचन जो नियामक विधि जो आईन कही परिबा तो सही समय रे कोनोसी प्रकार धार्मिक मंतव्य धार्मिक सांप्रदायिक सृष्टि है मंतव्य देवा उपरे संपूर्ण भाव रोक लगा जाय थाए एवं ए जो धार्मिक भावना को मध्य कुटाराघात करिया पई मध्य नेता मानकु इसी पक्षरु गोटे प्रकार से आईन माध्यम रे दिया जाय था किंतु कोनोसी आईन को कोनोसी कानून को एठी ममता बानर्जी से ही सर्वोपरि बोली भावुचंती निर्वाचन कमिशन जे की संपूर्ण निर्वाचन तांको दायित्व रे थाए एवं जते बेले भी निर्वाचन समय आसी थाए संपूर्ण व्यवस्था निर्वाचन कमिशन ही निश्चय भाव रे प्रदीप्त आपनकर सविशेष विवरणी पई निश्चय रे बहुत बहुत धन्यवाद जणौछि तेबे आसीबा परवर्ती खबर को बेंगल रे गोटिए पाखरे ममतांक हाई वोल्टेज ड्रामा सेपटे बीजेपी रो हाई वोल्टेज प्रचार मंगलवार दिन प्रचार रो मंग धरिचंती जेपी नड्डा एवं अमित शाह दार्जिलिंग एवं उत्तर दिनाजपुर रे शाहांक राली रहितबा बेले बर्धमान रे राली करिचंती नड्डा
केवल बेंगल रे नुहे सारा देशर एक प्रमुख पर्यटन स्थळी आउ सळ निवास दार्जिलिंग रे निर्वाचन रैली करिछंती केंद्र मंत्री अमित शाह। दार्जिलिंग एक गुर्खा अधुषित अंचल सेमानक पई एजाय किछि भी विकासमूलक काम करिनाहंती बामपंथी कांग्रेस किंबा टीएमसी सरकार एबे सेमानक पई भरोसा साजिछि बीजेपी तेबे एने देखिबा ए रिपोर्ट। दार्जिलिंगवासीको अमित शाहक प्रतिश्रुति 11टी गुर्खा कम्युनिटी को मिलिबो स्पेशल स्टेटस। दार्जिलिंग रे बीजेपी आनिबो विकास गोरखा मानको पई स्थायी व्यवस्था। मैं मानता हूं कि गोरखाओं को इस देश की मेन स्ट्रीम के अंदर लाने की जरूरत है। गोरखाओं का भव्य इतिहास रहा देश में, जब जब भी देशभक्ति से हरी भरी देशभक्ति से ओतप्रोत जातियों का नाम लिया जाता है, मेरा गोरखा भाइयों का नाम सबसे पहले गौरव से लिया जाता। प्रधानमंत्री का सिलीगुड़ी निर्वाचनी प्रचार परे परे अमित शाह यार निकटवर्ती निर्वाचन मंडली दार्जिलिंग रे करिछंती घमासान प्रचार। दार्जिलिंग कुर्सिंग और कालीपंग रा तीनोटी आसन बीजेपी पई गुरुत्वपूर्ण बोली कहिछंती अमित शाह। दार्जिलिंग रा बहु दशंधि धरी रही आसीतिबा गोरखा मानकर असुविधा को कांग्रेस कम्युनिस्ट और परे ममतांक टीएमसी सरकार बेखातिर करिछंती। दार्जिलिंग को केवल एक आराम करिवार स्थान भावरे प्रदेश सरकार भावी आछंती। यहार विकास और एटिकार आदिवासी को अभिवृद्धि पई केबे मध्य कोनोसी पदक्षेप नै नहंती। तेबे वर्तमान बीजेपी रो नेतृत्व रे बदलिबो दार्जिलिंग रो गोरखा कम्युनिटी रो जीवन शैली। 11टी गोरखा कम्युनिटी को आदिवासी स्टेटस देबा पई प्रतिश्रुतिबद्ध बीजेपी। हम चाहते हैं कि देश भर में जो गोरखा भाई यहाँ के हैं और जो नेपाली भाई नेपाल से आए हैं वो भी मेरे अपने हैं, मेरे भाई हैं। कोई उसको कुछ भी डराए डरिएगा मत। गोरखाओं और नेपालियों के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी के भी साथ लड़ाई कर सकती है। अनेक दशंधि धरी इससे माने जो स्पेशल स्टेटस पई अपेक्षा करी रही थी ताहा को पूर्ण करी वो बीजेपी बोली कोई चंती अमित शाह। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। बेंगल निर्वाचन उपरे बे सारा देशर नजर नजर रही टीएमसी और बीजेपी उपरे हेले ए लड़ाई भितरे किंतु नजर आढ़ुआड़ को चली गलानी देशर सबुठ पुराणा राजनैतिक दल कांग्रेस। मोट 8 पर्याय निर्वाचन भितरु 4टी पर्यायर निर्वाचन सरीथिबा बेले आउ मात्र बाकी रहिछि 4टी पर्याय ए जाय किंतु देखा नहंती कांग्रेस रो केही तुंग नेता। आमे कहि परिबा युद्ध अधा सरिलानी हेले कांग्रेस रो तथा कथिक योद्धा मानकर देखा नाही रणभूमि रे। माने मैदान छाड़ी फेरार गांधी परिवार राहुल प्रियंका आउ दलर अन्य वरिष्ठ नेता सेमानक पई हताश एबे मेंटर अन्य दल। आसंतु देखिबा काही की कांग्रेस उभान होई जाइछि मैदान रु। बेंगल निर्वाचन मैदान रु एक प्रकार फेरार होई जाइछि कांग्रेस। चारोटी पर्जा मतदान परे भी राज्य को प्रचार पई आसिनांती कोनोसी कांग्रेस नेता। आसाम एवं दक्षिण भारत रे निर्वाचन प्रचार परे बेंगल माटी माडू नहंती राहुल प्रियंका। कांग्रेस बाम आईएसएफ मेंटर अन्य नेता भी बसिछंती नीरव रे। निर्वाचन पूर्वरु बेंगल रे निज पराजय स्वीकार कला कि कांग्रेस। पश्चिम बंग रे विधानसभा निर्वाचन रो 4टी पर्याय पई मतदान सरिलानी आउ बाकी रहिछि 4टी पर्याय। मोट आसन रु अधा आसन पई मतदान सरिगलानी बोली कुहा जाई पारे। निर्वाचन जीति राज्यर क्षमता दाखल पई बीजेपी निजर समस्त शक्ति लगाई देथिबा बेले टीएमसी मध्य पुणी क्षमता को आसीबार विफल चेष्टा जारी रखिछि। तेबे एहारे भितरे किंतु बेंगल निर्वाचन रे देखिबा को मिलिछि एक विचित्र दृश्य। निर्वाचन मैदान रो फेरार होई जाइछि देशर सर्वपुरातन दल कांग्रेस। केरल आसाम तमिलनाडु पुडुचेरी रे निर्वाचन थिबारु कांग्रेस रो बड नेता माने पश्चिम बंग पई सम देई पारु नहंती बोली चिंता करा जाउतिला। मात्र एहारे मध्य रे से सबु राज्य रे निर्वाचन सरिबार एक सप्ताह रु अधिक दिन होई गलानी।
ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ବେଙ୍ଗଲରେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରର କେହି ନିର୍ବାଚନ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ନଥିବାରୁ ଏବେ ବେଙ୍ଗଲ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ରଣନୀତି ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ବେଙ୍ଗଲରେ କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନୀ ମେଣ୍ଟ କରିଛି ବାମ ଏବଂ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଦଳ ଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ସହିତ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ହାତରେ ମାତ୍ର 92 ଆସନ ରଖିବା ସହିତ ବାକି ସବୁ ଆସନ ମେଣ୍ଟ ଦଳକୁ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଦଳର କେହି ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ନଥିବାରୁ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଉପରେ ଭରସା କରିଥିଲା ମେଣ୍ଟ। ମାତ୍ର ମେଣ୍ଟକୁ କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ନିରାଶ କରିଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏପ୍ରିଲ 17 ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ଏପ୍ରିଲ 14 ଦିନ ବେଙ୍ଗଲ ସିଲିଗୁଡ଼ିଠାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପାରନ୍ତି ରାହୁଲ। ଏହାପରେ ଉତ୍ତର ଦିନାଜପୁରରେ ଆଉ ଏକ ରାଲିରେ ରାହୁଲ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେବେ ଏହା କଂଗ୍ରେସର ପୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଡଙ୍ଗାକୁ କୂଳରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସେପରି ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ। ବିଜେପି ଏବଂ ଟିଏମ୍ସିର ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ମେଣ୍ଟ ପରୋକ୍ଷରେ ନିଜର ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିସାରିଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କେବଳ ଦଳର ସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ନାମକୁ ମାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାହୁଲ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ବିଜେପିର ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ରୋଡ୍ ଶୋକୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବର୍ଦ୍ଧମାନରେ ହୋଇଥିବା ବିଶାଳ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ନଡ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ବିଜେପି। ଏହି ରୋଡ୍ ଶୋ ହିଁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି କିପରି ବେଙ୍ଗଲରେ ଏଥର ବାଜି ମାରୁଛି ବିଜେପି। ସେହିପରି ଅମିତ ଶାହ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦିନାଜପୁରରେ ଏକ ବିଶାଳ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ଭାଗ ନେଇ ବିଜେପିର ବିଜୟ ରାସ୍ତାକୁ ଆହୁରି ସହଜ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲେ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଏବଂ ଅମିତ ଶାହ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦିନାଜପୁରରେ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ରାଲି। ତେବେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବାକି ଥିବା 4 ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମତଦାନ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବେଙ୍ଗଲରେ। ସବୁଥର ପରି ମମତାଙ୍କ ନାଟକ ହୁଏତ ପୁଣି ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ମାତ୍ର ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କୌଣସି ନାଟକ ନୁହେଁ। ଭୋଟରମାନେ କେବଳ ବିକାଶର କଥାକୁ ହିଁ ବୁଝିଥାନ୍ତି, ଯାହା ବିଜେପିର ରହିଛି ମୁଖ୍ୟ ଏଜେଣ୍ଡା। ତୁଚ୍ଛା ନାଟକ ଆଉ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି କରି ଆସିଥିବା ଟିଏମ୍ସିର ଏବେ ସମୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କେବଳ ବିଧିବଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ହେବ ଆଗାମୀ ମେ 2 ଦିନ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଜନତା ଦରବାରରେ ସବୁକିଛି ଅପଡେଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍କାର।